हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल पान पुस्तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे गेहूं बोनस पर मध्य प्रदेश सरकार का क्या निर्णय है इस वक्त, लहसुन के किसान हुए मालामाल, गेहूं पंजीयन डॉक्यूमेंट्स और लास्ट तारीख क्या है, गेहूँ 2700 रुपये क्विंटल बिकेगा या नहीं। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना या किसान कल्याण योजना या अन्य स्कीमें की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसानों, गेहूँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बोनस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अभी पंजीयन की प्रक्रिया स्टार्ट है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो 1 मार्च 2024 से पहले बोनस का ऐलान कर सकती है। रवि विपणन पंजीयन की जो स्टार्टिंग तारीख है 5/2/2022 से स्टार्ट है, उसकी जो लास्ट डेट है 1/3/2024 तक। वो किसान भाई, पंजीयन कराने के लिए सबसे पहले समग्र आईडी से अपने को आधार लिंक कराना होगा, और इसके बाद समग्र आईडी से ज़मीन लिंक करानी अनिवार्य है। गेहूँ पंजीयन में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासबुक, जमीन पुस्तिका, ये खसरा नंबर। मध्य प्रदेश सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष रखा है 2275 रुपये गेहूँ को रखा है। किसान भाइयों, लहसुन का जो इस वक्त रेट है 20,000 कुंटल से लगा के 40,000 रुपये कुंटल बिक रही है। किसान भाइयों, हर न्यूज़ चैनल पे इस वक्त जो लहसुन का रेट बिल्कुल हाई है और हर न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहा है, लेकिन किसानों की 2 साल पहले 2022-21 में देखे तो किसानों ने 2 रुपये किलो के हिसाब से लहसुन बेची थी, उनकी लागत भी नहीं निकली थी। जो मोदी की गारंटी है वो भी इस वक्त फेल हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले 2700 रुपये कुंटल के हिसाब से गेहूँ खरीदी या न्यूनतम मूल्य रखा था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया है। इस प्रकार की स्कीमें या सरकार की जो भी स्कीमें हैं या नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे।